तो ये फिर कौन लोग हैं, इसकी पुख्ता कैसे आप कैसे कोरोबरेट करेंगे मयंक जी कि ये विदेशी जो ताकतें हैं वो आज भी एक्टिव हैं? ये कैसे कोरोबरेट करेंगे कि स्टालिन जो हैं वो शुद्ध पॉलिटिकल लाभ के लिए नहीं बल्कि विदेशी साजिश के तहत इस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, आज इनकी संपत्ति की घोषणा चारों तरफ हो रही है, चल रही है सोशल मीडिया पे कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे की संपत्ति कितनी ज्यादा है, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, इसमें कोई सरप्राइजिंग बात तो है नहीं। ये लोग कोई 16 मंदिरों की पूजा करके तो रोज आते नहीं ऑफिस। ये लोग कोई इतने तो हम जानते ही हैं जो कांग्रेस के पॉलिटिशियंस हैं वो कितने काबिल हैं इन चीजों को करने में, प्रॉपर्टी बनाने में, पैसे बनाने में इनकी काबिलियत है, एक्सपर्टीज है, तो इसमें तो कोई सरप्राइजिंग बात है ही नहीं अगर उनके पास से कुछ निकलता है। अब ये बहुत जरूरी है कि ये कंटिन्यूसली ईडी की रेड्स होनी चाहिए और इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। और ये पैसा जो गरीबों का है, वास्तव में जो गरीबों का पैसा है इनकी तिजोरियों में पड़ा है। और ये लोग गरीबों की बात करते रहते हैं और कहते हैं कि गरीबी, और एक तरफ कहते हैं गरीबी नॉर्थ में ज्यादा है और उन गरीबों के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर अगर ऐसा है भी तो इनका जो पूरा जो नेटवर्क है उसका एक ही काम है, भारत के टुकड़े 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 कर देना। और ये अनफिनिश्ड एजेंडा पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हमारे दोनों हाथ काटने से, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, दोनों हाथ काट दिए हमारे भारत के, लेकिन पाकिस्तान वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। तो पाकिस्तानी एलिमेंट्स जो रेजिड्यूज ऑफ इस्लामिक इंपीरियलिज्म है भारत के अंदर, वो रात दिन इस चीज का काम कर रहे हैं। और ये जो स्टालिन जैसी शक्तियां हैं, ये समागम है इस्लामिक इंपीरियलिज्म के जो रेजिड्यूज हैं, कम्युनिस्ट इंपीरियलिज्म के जो रेजिड्यूज हैं, क्रिश्चियन इंपीरियलिज्म और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के जो रेसिड्यूज हैं, उन सबका समागम है जो भारत की सेक्युलर पार्टीज हैं, जिसके एक मेंबर स्टालिन भी हैं। तो ये एक आइडियोलॉजिकल रूप से इसको देखना चाहिए कि जितने भी भारत पे आक्रमण हुए हैं, जितने भी भारत के खिलाफ इंपीरियलिज्म हुई हैं, उनके जो रेजिड्यूज हैं वो इनके दिमाग के अंदर हैं। तो वो हमको अपना सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं। हमको कभी भी वो जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको वो नहीं चाहते कि सनातन धर्म पनपे। क्योंकि क्यों नहीं चाहते? क्योंकि सनातन धर्म में आतताइयों का वध करने के अलावा, देखिए सनातन धर्म का मतलब क्या है, पूरी रामायण में क्या है कि जो आतताई है उसका वध किया भगवान राम ने, जो महाभारत है उसमें भी किसका, जो आतताई थे उनका वध किया। अब जो आतताई आज के वक्त में आप टेररिस्ट को कहते हो, जो टेररिस्ट है, तो जो सनातन धर्म का, अच्छा ये लोग जो है हमने बार बार देखा है, कोई तो ओसामा जी कहता है, कोई रोने लगता है अगर एनकाउंटर होता है तो सेक्युलर कैंप में से, अगर किसी टेररिस्ट का एनकाउंटर हुआ, भले ही कोई पुलिस वाले भी मर गए हो उसके अंदर, लेकिन वो लोग रोते हैं जब किसी टेररिस्ट का एनकाउंटर हो। तो इनकी सिंपैथीज कहाँ हैं? इनकी सिंपैथीज पाकिस्तान के साथ हैं, टेररिस्ट के साथ हैं, देश के दुश्मनों के साथ हैं। तो आप इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? ये कोई पेट्रियोटिक बात तो नहीं करेंगे ना, जिसकी जो अब राजीव गांधी के भी जो हत्या हुई थी उसके बारे में किसको कौन संतुष्ट है कि उन लोगों को ठीक से सजा मिली कि नहीं मिली? तो ये लोग तो जो वीकनेस ये लोग टेररिज्म के खिलाफ दिखाते हैं वो आज देश को उसकी बहुत भारी कीमत देनी पड़ती है। तो ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई सरकार भारत में आए सेंटर में जो टेररिस्ट के दांत खट्टे कर दे, टेररिज्म का भारत में दो दो प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई, भारत में दो दो प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई और उसके बाद भी भारतीय जनमानस इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है कि भारत को तोड़ने की साजिश हो रही है। आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रोकना चाह रहे हैं पेट्रियोटिक फोर्सेस को, जो ये स्टालिन जैसे एलिमेंट्स रोकना चाह रहे हैं सनातन धर्म को गाली देकर, वो इसीलिए रोकना चाह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही है, ये एंटी नेशनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ रही है, ये एनजीओस की फंडिंग बंद कर रही है। वास्तव में तो दलितों के लिए तो बहुत काम कर रही है सरकार। ये तो झूठ है कि ये जो है दलितों के खिलाफ सरकार है।
जितना काम इस सरकार ने दलितों के लिए किया और जितना रिप्रेजेंटेशन, असल में जो ये सरकार है वो दलितों को कोई अलग नहीं मानती ना, वो अपने ही लोगों को मानती है ना, वो अपना मानती है, तो उनके लिए प्रेम उमड़ता है हमारे दिलों में पूरे के पूरी जिंदगी। मैं आपको बता सकता हूँ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की, जो दलितों की सेवा में लगे रहते हैं, उनका एक ही मात्र लक्ष्य है कि इनकी जितनी हम सेवा कर सकें, सेवा बस्तियां हैं वहां पे सेवा की जाती है। तो ये कहना कि एंटी दलित है बीजेपी और नॉट, ये सब बंद होना चाहिए। जो ये सारा का सारे जो फॉर्मुलेशंस कम्युनिस्टों ने बना रखे हैं कि दिस इज एन अपर कास्ट ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशन, अरे बहुत, यहां भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी हालत नहीं है ब्राह्मणों की, यहां भी जो है वो वैसा ही है जैसे दूसरी जगह होता है। तो ये जो कह रहे हैं कि दलितों के खिलाफ हो रहा है तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अपर कास्ट, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट ये लोग कहते हैं, वो तो बिचारी हर पार्टी में डर के ही रहती है। तो क्यों? आप एक फिल्म,